बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। सब कैसे होंगे? हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो मैं बना रही पुलाव आलू का, सिर्फ अपने लिए और अपनी बहन के लिए। अब बाकी बच्चों की, मेरी तबीयत सही नहीं है बच्चों की, तो इसलिए उनके लिए मैंने दूध और ब्रेड मंगाई है, वो उनको वही दे रही हूँ। और ये देखिए, मैं अपने लिए और अपनी बहन के लिए बना रही पुलाव आलू का। तो ये मैंने 4 अदद आलू ले लिए, और 3 अदद मैं टमाटर ले लिए, और 4 अदद मैंने प्याज ले लिए। और देखिए, ये मैंने चावल ले लिए, ये मैंने 1 गिलास चावल ले लिए। तो इसको हम धोते हैं, और जब तक ये सामान कटिंग करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ बना के, ठीक है? देखिए, मैंने प्याज भी कटिंग कर ली, टमाटर भी, हरी मिर्ची भी और आलू भी। और मैंने चावल धो के अच्छे से वॉश करके इनको मैंने भिगो दिए। चले अभी बनाते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, मैं इसके लिए ऑयल ऐड कर रही हूँ, ऑयल अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। देखिए, मैंने 1/2 कप इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, साथ में हम प्याज भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देते हैं। जैसे हमारे प्याज ब्राउन हो जाते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर बाकी सामान ऐड करते हैं, फिर आपको बताते जाते हैं। तो देखिए, मैं इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी, 1/2 टीस्पून। ये देखिए, ज़ीरा ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर ले। तो देखिए, ये प्याज हमारे हो गए, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर भी और हरी मिर्ची भी, और बाकी स्पाइसेस मैं ऐड करती हूँ वो भी बताती हूँ आपको। और साथ में मैं आलू भी ऐड कर दूँगी इसी में। तो देखिए, मैं इसके लिए ऐड कर दूँगी धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। ये देखिए, और मैं इसमें लाल मिर्च किसी भी ऐड करूँगी वो भी बताती हूँ आपको। ठीक है, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे इसमें। और 1/2 टीस्पून कुटी हुई, लाल मिर्च पीसी हुई भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। कुटी हुई 1 टीस्पून, ठीक है? और इसको अच्छा सा भून लेते हैं। मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा आप। क्यों नमक ऐड कर रही हूँ? नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और मैं इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ, ये मैं ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून। ये देखिए, ये मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर बिरयानी मसाला, और इसको हम भून लेते हैं। और मैं इसके अंदर पानी ऐड करती हूँ पुलाव के लिए। पहले हम इसको अच्छा सा भून लेते हैं, फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, हमारा मसाला बहुत अच्छा सा भून गया, तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पानी। देखिए, मैंने 1 गिलास चावल लिया था, ये इससे मैंने चावल ना पे, और तो ये मैं 2 गिलास इसमें पानी ऐड किया, ये टोटल हो गए 6 गिलास पानी। ये बड़ा वाला गिलास है, और मैं आपको छोटा गिलास दिखाती हूँ, इसके बनेंगे आपके, ये देखिए छोटे वाले आपके 6 गिलास बनेंगे इसमें, ठीक है? ये मैंने ऐड कर दिए, और इसको भी हम कवर कर देंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आता। इसमें बॉयल आ गया पानी में, तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चावल, जो मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिया। ये ऐड कर देते हैं हम इसमें सभी, बिस्मिल्लाह ऐड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर लेंगे। वालेकुम सलाम, आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी बेटी की। इस पर जैसे इसका पानी खुश्क होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं इसको अभी कर देती हूँ कवर, और मैंने बच्चों के लिए जब मंगा लिए ब्रेड, तो उन्होंने कहा अभी अंडा भी खाना है, तो फिर मैंने अंडा मंगा लिया, उनको अंडा और ब्रेड दे रही हूँ। क्योंकि अभी दवाई पी रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको अभी चावल और ये सब मना किया हुआ सालन रोटी। तो देखिए, इसमें बहुत ही अच्छे से पुलाव बन रहा है माशाल्लाह। देखिए, इसका पानी खुश्क हो रहा है, जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा पानी इसका सभी, और इसको हम दम पे रख देते हैं, उसके बाद आपको हम फिर डिश आउट करके दिखाते हैं। अंकल नहीं है, विवश है। विवश,
देखिए इसका सब पानी खुश्क हो गया, इसको मैं इसके नीचे प्लेट रख देती हूँ, इसको हम दम पे रखते हैं, जैसे दम आ जाता है उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए अभी इसको हम हटा देंगे, तो ये देखिए मैं इसके नीचे प्लेट रख दूंगी और इसको हम दम पे रख देते हैं और इसके बाद शुरू कर देते हैं। देखिए मैंने अंडा और ब्रेड, तो ये देखिए अंडा ब्रेड, अंडा मैं बनाती हूँ बच्चों को मैं देती हूँ, अंडा ओके। देखिए हमारे पुलाव को अच्छा सा दम आ गया, ये देखिए पुलाव हमारा बन के रेडी हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया, खुशबू तो लाजवाब भी आ रही है, और अभी हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। और देखिए साथ में मैंने अंडा भी बना लिया बच्चों के लिए, तो देखिए अंडा भी बन गया बच्चों के लिए, बच्चों को भी दे रही मैं और खुद भी खाना खाऊंगी। देखिए हमने डिश आउट कर लिया, हमारा पुलाव बन के रेडी हो गया आलू का, और साथ में मैंने अचार भी रखा है। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक को शेयर करना मत भूलिएगा, दोस्तों से शेयर किया करें इसी वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।